ज़रूरी है। हमारे देश में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें महिलाओं की स्क्रीनिंग हो। मतलब कि ये देखा गया है कि हमारे देश में जो महिलाओं के कैंसर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो है सर्वाइकल कैंसर, जिसका मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो दीपा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ज़्यादा लक्षण नहीं होते और ये बहुत ही एंड स्टेज या बहुत ही आगे हो जाता है, तब पता चलता है। जब हो सकता है कि सिंपल ट्रीटमेंट से या सिंपल ऑपरेशन से इसका इलाज ना हो, तो ये इतनी बड़ी बात है कि ऐसे जो सर्वाइकल कैंसर है हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें हमारे देश में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर हर साल डायग्नोज किया जाता है। और दुखद बात यह है कि जी 70,000 महिलाओं की इससे मृत्यु पर वर्ष हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी खतरनाक कैंसर को पहले से ही जांच से पता लगा सकें कि क्या हमारे अंदर ये हो रहा है, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, या फिर ऐसे अब हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं कि टीके जिसको हम कहते हैं कि हम लगा सकें हमारी यंग पॉपुलेशन को, जो इनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सके। तो ऐसी वाली चीज़ों का हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे और अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए इतनी खतरनाक बीमारी या कैंसर का अब इलाज है, इसको बहुत ही अग्रिम अवस्था में पकड़ा जा सकता है। इससे पहले कि वो कैंसर बने हम पकड़ सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं जो कि सिंपली ट्रीट हो सकता है। और इससे बचने के लिए हमारे पास आज वैक्सीनेशन है जिसके सिर्फ 2 डोजेज़ अगर 6 महीने के अपार्ट में लगते हैं हमारी यंग महिलाओं को, तो उनको ज़िंदगी भर के लिए इससे सुरक्षा मिल सकती है। बिल्कुल, तो आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पे बात कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सिद्धा ने बताया कि देश की जो आबादी है उसमें बहुत एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सर्वाइकल कैंसर उन महिलाओं को बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और कैसे इसकी रोकथाम की जाए, कैसे नियत समय पर इसकी जाँच की जाए और ये रोग आपको ना हो, इसके लिए आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन क्या है, कौन से टीके आपको लगने चाहिए, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं आज के कार्यक्रम में हम आपको देंगे। डॉक्टर सिद्धा और भी जाँचों के बारे में आपको बताएंगी। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, अपने सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर शुद्धा, आगे आपसे जानेंगे कि आप कैंप करने वाली हैं जिसमें महिलाओं को इस रोग से संबंधित तमाम जानकारियां देंगी, साथ ही उनके लिए कुछ वैक्सीनेशन वगैरह भी हैं, उनके बारे में बताइए। दीपा, इसी को देखते हुए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है जो हर महिला को कराना चाहिए, हमने इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए और जांच के लिए एक निशुल्क कैंप रखा है जो कि 14 से 21 तारीख को है बंसल अस्पताल में, जहां हम महिलाओं की जांच करेंगे। एक दूरबीन की जांच होती है, कॉल्पोस्कोपी, जिससे हम अच्छे से सूक्ष्मता से उनकी बच्चेदानी का मुँह देख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इसमें कोई खराबी है, और अगर खराबी है तो इसका क्या इलाज है। जैसा कि मैंने बताया दीपा, कि बहुत ही अग्रिम अवस्था में इसको पकड़ा जा सकता है और ऐसा इलाज किया जा सकता है जिससे कि उनको आगे कैंसर से छुटकारा ही मिल जाए। और इस दौरान हमने इसका वैक्सीनेशन का भी आयोजन किया है जो कि 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, और इसके सिर्फ 2 डोजेज़ अगर 6 महीने के अंतराल पर लगते हैं तो हमारी बच्चियों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल सकती है। जैसे कि पोलियो के वैक्सीनेशन लगे और उससे हमको नियरली छुटकारा मिल गया, ऐसे ही ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं तो 90% से ज़्यादा छुटकारा मिल सकता है, और ये दूसरी इन्फेक्शन से भी हमें इम्यूनिटी देता है। जैसे कि दीपा, सुना होगा कि लोगों को वॉट वायरस इन्फेक्शन हो जाती है, मुंह पे या नीचे के भागों में इनको ग्रोथ हो जाती है, मतलब कि जैसे कि ग्रोथ हो जाती है जो बहुत ही बढ़ती दिखती है, जिसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है वैक्सीन से। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल एक कैंप भी कर रही हैं जो खासकर महिलाओं के लिए किया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, और खासकर गायनाकोलॉजिस्ट ने डॉक्टर श्रद्धा और इससे जुड़ी हुई जितनी भी छोटी सी छोटी आपकी बीमारियां होंगी उनकी जांच की जाएगी। ये जांच निःशुल्क है, साथ ही वैक्सीनेशन भी बहुत ही कम मूल्य पर आपके लिए 20% का जो है डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 14 से लेकर और कितने 31 21 अगस्त तक, माफ कीजिएगा, ये कैंप चलेगा जिसमें आप जा सकते हैं, अपने जांच करा सकते हैं। फोन लाइन पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, सवाल कर लीजिए। हेलो, जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेरी मिसेस को, उनको जी। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, और उसके लिए मैं सोच रहा था लैप्रोस्कोपी कराए कि नहीं कराए, या और कोई ऑप्शन हो अगर आप बताए।
हाँ अनिल जी, देखिए अगर आपकी वाइफ की ट्यूब ब्लॉक है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने HSG या हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी जो नीचे से डाई डाल के एक्सरे करते हैं उससे पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्यूब ब्लॉक है, इसका आगे हमें जांच करनी चाहिए जो कि लैप्रोस्कोपिक जांच है, दूरबीन की जांच है, जिसमें नीचे से डाई डाल के देखा जा सकता है कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं। साथ ही साथ पता लग सकता है कि ट्यूब में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या वो वहाँ पे एडहेशंस मतलब इधर उधर चिपकी हुई हैं क्या, कौन सी इन्फेक्शन है, क्या उनको खोला भी जा सकता है कुछ हद तक। ऐसी चीज़ होती है कि नीचे से एक छोटी सी ट्यूब डाल के देखा जा सकता है और अगर थोड़ा सा एडहेशन हो वो खोल उसमें हम ब्रेक करके उसको खोल सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी हमको मिलती है दूरबीन की जांच करने पर, और साथ ही साथ हम इसके साथ में बच्चेदानी के अंदर से भी जांच करते हैं जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिससे हमें अंदर की भी हाल पता लगे कि ट्यूब तो खुली हुई है लेकिन बच्चेदानी के अंदर ऐसी कोई बात हो जिसके कारण प्रेगनेंसी ना हो पा रही हो, ये भी हम जाँच करते हैं। साथ ही में हम बायोप्सी लेते हैं और इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट करते हैं। और हमारे देश में क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है और कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी की बीमारी हमारी बच्चेदानी की झिल्ली को भी खराब कर देती है और ट्यूब को भी ब्लॉक कर देती है, तो इसकी जांच होना और हमें पता लगना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हर महिला को अगर मिलना ही चाहिए अगर उन्हें टीबी है, और इसके बाद में आगे का इलाज तय किया जा सकता है। अगर ट्यूब बहुत ही खराब है तो हो सकता है वो काम ही ना कर रही हो, और अगर इसके बावजूद भी अगर ब्लॉक्ड हैं तो आपको IVF में जाना पड़ सकता है जिसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि बच्चेदानी के अंदर का हाल क्या है, क्या वो इतनी अच्छी है कि इसमें IVF सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल। तो एक और कॉलर फोन लाइन पर है, अजय स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर, सवाल कर लीजिए। हेलो हेलो, जी हाँ जी अजय जी बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को ऊपर से कुछ ऐसा कट गया है कि उनका एक वो खाल टाइप से निकल गया है, तो यहाँ पे सागर में डॉक्टर ये अपना साधना मैडम को दिखाया था तो वो उन्होंने कुछ सलाह नहीं दी है, तो उसमें क्या करें, खाल की बाहर लटकी हुई है तो उसका क्या इलाज है? हाँ जी अजय जी, आपकी बातों से लगता है कि आपकी जो वाइफ है उनको खाल लटकी हुई है, मतलब हो सकता है कभी कभी प्रोलैप्स हो जाता है, जो बच्चेदानी है वो थोड़े से बाहर को आ जाती है, या बच्चेदानी ना आए तो भी जो वेजेना का पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, ये उम्र के साथ हो सकता है। तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप एक बार दिखा लें तो हमें पूरी तरह से पता लग सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा प्रोलैप्स है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करके उसको कंजर्वेटिव मेथड्स कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा ही दिक्कत है तो उसका हम इलाज नियमित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सिद्धा आपसे जानेंगे HPV वैक्सीनेशन क्या है। दीपा, जैसे कि मैंने बताया कि अब ऐसा पता चल गया है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये HPV वायरस से होता है। वैसे तो 100 टाइप्स के HPV वायरस बताए गए हैं, लेकिन जो कैंसर करते हैं वो 16-18 ऐसे दो तीन को हमने जाना है कि ये वाले जो वायरस हैं ज़्यादातर यही कैंसर को कॉज करते हैं। तो इसी से ये जो वैक्सीन जो हम बता रहे हैं ये इन्हीं से ज़्यादातर प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोटेक्शन दूसरी बीमारियों के साथ भी होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये HPV वायरस है, ये जो बच्चेदानी है उसकी मूव पर जो सेल्स या कोशिकाएं हैं इसमें घर बना लेते हैं, कभी कभी तो वो कुछ नहीं करते अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो इन्फेक्शन रहती है बनी रहती है तब वो सेल्स जो होते हैं वहाँ की कोशिकाओं में घर बनाकर उनको अनियमित कर देते हैं, मतलब जो वो करना चाहते हैं उनको उनको दिशाहीन कर देते हैं, और यही होता है, इसी से कैंसर बन जाता है। और ये जो अनियमित कोशिकाएं हैं ये फिर अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर जाती जाती है और फैलती जाती है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो इसका हम अर्ली अवस्था में जांच करके पता लगा के और ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर शुद्धा बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर होने के क्या लक्षण है, कैसे इंसान को पता चलता है।
देखिए दीपा, कभी कभी तो कोई लक्षण नहीं होता और बहुत ही देर में पता चलता है, लेकिन अगर आपकी माहवारी अनियमित हो, बीच में ब्लीडिंग होती हो, या फिर आपको डिस्चार्ज होता हो जिसमें रक्त मिश्रित डिस्चार्ज होता हो, या फिर बदबूदार पानी जाता हो, या फिर कभी भी पेट दर्द हुआ हो और आपने कभी जांच नहीं कराई है, या फिर किसी ने जांच करके बताया हो कि आपकी बच्चेदानी का मुंह का जो अपीयरेंस है वो मतलब ठीक नहीं है, इन सारी अवस्थाओं में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने नियमित जांच कराई है, पैप स्मियर कराया हुआ है, तो ये एक चीज़ है जो प्रोटेक्शन देती है आपको, बताती है आपको कि अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई रिस्क नहीं है, और कुछ मतलब पर ईयर भी अगर आप जांच कराएं तो भी आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। इधर दीपा, मैं बताना चाहूँगी कि पैप्समियर क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग पैप्समियर नहीं कराते हैं। पैप्समियर एक सिंपल सी जांच है, इसमें आपकी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके आसपास की पानी लेते हैं और उसको एक स्लाइड पे बनाकर भेजते हैं जाँच के लिए। फिर वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बताते हैं कि क्या ऐसी कोई कोशिका उनको नज़र आ रही है जो कि HPV इन्फेक्टेड है, या उसके जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें ऐसी खराबी है जो आगे जाकर वो कैंसर बन सकती है। तो अगर हमें सिंपल सी जांच से पता लगता है तो फिर हमको इसकी दूरबीन की जाँच करनी चाहिए, देखने के लिए कि वो कोशिका कहाँ है, क्या वाकई है, और उसकी बायोप्सी लेने से वो ठीक भी हो सकता है, वो सारा लीजन हम बायोप्सी से निकाल भी सकते हैं। तो ये पैप्समियर एक ऐसी जाँच है जो कि इतनी सिंपल है, आप कहीं भी जाके करा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत ही कम दामों में ये होती है। हर महिला को ये कराना चाहिए, और अगर ये ठीक है तो काफ़ी निश्चिंता की बात है कि आप ठीक हैं, आपकी इस बच्चेदानी के मुंह पर कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके कारण आपको चिंता रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका वंशलीज पर, सवाल कर लीजिए। जी मैडम, मुझे हॉस्पिटल का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। जी जी तो मैं संपर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि सागर में जयश्री चौकसे मैडम है, उन्होंने मेरा समस्या सॉल्व नहीं की जी। है क्योंकि डिलीवरी हुई थी उस समय वो कट लग गया था, तो उसी समस्या में मैं आपसे अब संपर्क करना चाहता हूँ, तो मुझे कॉन्टेक्ट नंबर हॉस्पिटल का मिल सकता है क्या? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। देखिए, हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट है वो 0755 है 408-6000। सो एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको, भोपाल का कोड है 0755-408-6000। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी हमारी वेबसाइट है, अगर आपको नहीं मिल पाया हो तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे होती है, कैसे इस रोग से पूरी तरह निजात पाई जाए, और शुरुआती दौर में जब लक्षण जान पड़ते हैं, लक्षण को डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट करवाने चाहिए, क्या कैसे इसे डायग्नोज कराया जाए, बहुत सारी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है वो करानी ज़रूरी होती हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो, बहुत सारी आपको जानकारियाँ डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने दी हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बंसल हॉस्पिटल में एक महिलाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर श्रद्धा जो उनकी पेशेंट है उनकी जांच करेंगी, उनको बहुत सारे उपाय बताएंगी और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानकारियां देंगी। डॉक्टर श्रद्धा, आप यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीपा, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ हमारे आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बंसल न्यूज़।